भैया दबा दबा लग रहा है पहले से। क्योंकि भैया ने गला कर दो, 16 गला कर दो। शादी से पहले भैया ने नाप लिया था, 16 करो। गला दबा दबा लग रहा है भैया, कह रहे शादी से पहले 12 था, खींच खींच के 16 कर दिया भैया। एंड एज यूजुअल जब भी हम चांदनी चौक में आते हैं तो हम बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं। हालांकि जो इससे पहले हमने गोलगप्पे खाए थे वो हमने शूट नहीं किया था, वो अलग बात है, पर अब हम लेंगे तरबूज। जब भी मैं झूले पे चढ़ता हूँ पता डर क्यों लगता है मेरे को ना, चुड़ैले दिखने लग जाती है। वाइट रशियन सेक्स ऑन बीच, अलग सी दुनिया नहीं है, मतलब जो वीडियो आपने देखी थी जिन्होंने लो यूनिवर्सिटी में टॉप किया था उनका पार्ट वन और पार्ट टू आप देख चुके हो एक ख्वाब वाले चैनल पे, उसका थर्ड पार्ट आ चुका है कि फाइनली एंड में उन्हें क्या स्टेप लेना पड़ा और उसके बाद फिर कैसे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे को समझ आ गया, आप मुझे मत ब्रीफ। अरुण जरूरी है भैया, तो पहले नहीं 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 फूल गए और फैलते जा रहे हैं अभी। आप पता क्या करो भैया, नाप कहाँ से शुरू करो, सर से, सर को ठंड नहीं लगनी चाहिए, गर्मी है ज्यादा। माथा ठंडा रहेगा तो गुस्सा भी कम करूंगा ना। चला भैया दबा दबा लग रहा है पहले से। क्योंकि भैया ने गला कर दो, 16 गला कर दो। शादी से पहले भैया ने नाप लिया था, 16 करो। गला दबा दबा लग रहा है भैया, कह रहे शादी से पहले 12 था, खींच खींच के 16 कर दिया भैया। एक काम करना, आज इनकी ना शेरवानी का नाप निकालना और अब मैं करना, पता चलेगा कि बीवी ने कितने प्यार से खाना खिलाया है जो फूलते जा रहे हैं या पीट के फुलाया है, ये लगवा दे। बारिश में खड़ा रखती है बाहर भी। सो शैंकी की शेरवानी फाइनल हो गई, मेरी शेरवानी फाइनल हो गई और ये सब फाइनल हो नहीं पाते अगर भैया नहीं होते। मतलब आप यहाँ पे आओ या आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और मतलब आप जितनी वैरायटी मांगोगे दिल खोल के दिखाएंगे, मतलब ये मना नहीं करेंगे। मजा आ गया और भाई बहुत बढ़िया, भैया ने वैसे कपड़ा सजेस्ट किया है। अब बन के जो पहला इनको दिखाया वो इनको पसंद आ गया, जो उसको पहला दिखाया वो उसको आ गया। खासियत ये है भैया क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं, उनको ये पता है कौन सा कलर। और ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ कि पहली ड्रेस लगाई थी इन्होंने मेरे को, कह रहे तुम ये पहनो, मैंने कहा नहीं पहनूंगा, कह रहा पहनो, मैंने कहा पहनूंगा, ठीक है। और शैंकी का भी ऐसा पहली ड्रेस पसंद आ गई थी पर हमने साथ साथ ट्राई करी थी क्योंकि यार शादी है तो ठीक है यार थोड़ा सा ये लगे कि जल्दी शॉपिंग नहीं हुई, शादी में होता ना कि थोड़ा सा लगे कि टाइम लगा है, वो शादी का जिसमें एक दिन में शॉपिंग पूरी हो जाए, रात को जाके नींद ही नहीं आ रही, कह रहे यार ऐसा कैसे यार जल्दी पसंद हो गया। तो भैया ने फिर हमारा सब कुछ फाइनल करवा दिया, एक जो बचा था वो भी भैया ने दिलवा दिया, ठीक है थैंक यू भैया, अब मिलते हैं फिर। तो कैसा लगा तेनू शॉप पे भैया की? तो एक सेकंड हो भाई, ये रिक्शे की पूरी लाइन चल रही है, ये ब्रेक इनके में होता नहीं है, इनको पता है सामने वाला रुक जाएगा, डांट ले भाई डांट ले। हम ना अब हमारे पास टाइम लग गया, हम फ्राइडे तक बाइंड अप करते हैं, चाहे मैं सैटरडे भी ओपीडी में रखूंगी, संडे एक दिन रख लेंगे, सैटरडे तक बाइंड अप करके मंडे मॉर्निंग हम हिमाचल निकल जाएंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा बर्थडे फिर हम उस वीकेंड में ओपीडी मिस कर दूं, ये वीकेंड कवर कर दूं। मालिक क्या दे रहे थे वो बर्थडे पे, गाड़ी कौन सी मैं बता दूं। तो तनु कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार, मतलब जो शैंकी की शेरवानी है ना, मतलब भाई उससे लहंगा नहीं मिल पा रहा है तुम्हारा, हकीकत बात, ठीक है क्या चलो जी जो उसके आगे लहंगा नहीं मिल पाया, शेरवानी मेरी बहुत महंगी नहीं पड़ गई भाई, देखो जो क्लासिक चीजें होती है वो महंगी आती है, मेरा लहंगा नहीं है सवा पूरे मैं शेंगे ना 1.25 लाख रुपए बने, 1.25 लाख दी शेरवानी बेचारे दी। एंड एज यूजुअल जब भी हम चांदनी चौक में आते हैं तो हम बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं, हालांकि जो इससे पहले हमने गोलगप्पे खाए थे वो हमने शूट नहीं किया था, वो अलग बात है, पर अब हम लेंगे तरबूज तो इसीलिए ये वाला हमने शूट कर लिया। ये मेरे पास रखे हो क्या क्या कमाल है ना भाई, तुम्हें मिले ऐसे जीजू, वरना लोगों के जीजू पता कैसे होते हैं, बोलने नहीं देते, आवाज तक नहीं निकल देते, यहाँ तुमने मेरी बंद करवा रखी है। जीजू की सच्चाई पता लग गई, पीछे ना अभी जीजू आ रहे थे, साथ में एक लड़की चली हुई थी, उसने बेबी रखा हुआ था, जीजू की तरफ ऐसे हाथ करके था। चांदनी चौक फैला रखा है तुमने।
तो यार इतना मजा आ रहा है, पता इतनी ठंडी ठंडी हवा, और पापा से बात की, पापा कह रहे हैं हिमाचल में तो आज इतनी ठंड हो रखी है लिटरली उन लोगों ने स्वेटर निकाल दिए हैं। तो अब क्या है, मैंने सारी अपनी ड्रेसेस से यहाँ से दिनों उसको इतना कर दिया पहले ही सोच के कि अभी इतनी ठंड पड़ गई बाद में क्या हाल होगा हमें नहीं पता। और अब ये है कि अब ना यहाँ पे हमने अपना सारा काम निपटा लिया, अब हम निकल रहे हैं मोनेस्ट्री की मार्केट जाना था कुछ लोअर्स लेने के लिए, तो हमने सोचा वहीं पे मजनू का डीला खाना खा के अच्छे से कि बीतीन मार्केट में बढ़िया बढ़िया सब थपका लेके गरम गरम और फिर हम घर जाएंगे। और ये दोनों हमारे पीछे चले हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ, दोनों अपने में मस्त हो रखे हैं। देखो भाई मियाँ बीवी की बात है, बाहर जाना है, जीजू को डर लगता है ना इसलिए मना कर रहे हैं। ले ले बोल बोल बोल, जीजू को लगता है डर झूलों से, तब मैं जब भी मैं झूले पे चढ़ता हूँ पता है डर क्यों लगता है मेरे को ना, चुड़ैलें दिखने लग जाती हैं। तो ये हम आ चुके हैं मोनेस्ट्री मार्केट, जो यहाँ पे विंटर कलेक्शन है मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक और चीज बताऊँ कि जो ये देखो हुड्स वगैरह, और यहाँ आते ही ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो ये लिखना पड़ रहा है कि यहाँ थूकना मना है। पता है क्या होता है कि जब तक हम लिखते नहीं है तो लोगों को समझ नहीं आता। और एक और मैं फैक्ट आपको बताऊं कि जब लिख देते हैं ना तो लोग और ज्यादा वहीं जाके थूकते हैं। तो गाइस खाने की तलब ऐसी है कि हम पहुंच चुके हैं मजनू के टीले पर। तो सारी शॉपिंग हमने खत्म कर ली है एक ही दिन में निपटा दी भाई साहब। नहीं नहीं सारी शॉपिंग हमने आज के हिस्से की खत्म कर ली है। तो अब यार साथ साथ आज के दिन मेरी और जीतू की शॉपिंग का खत्म हो गया। अब आपको दिखेगा कि इनकी शॉपिंग से कितना टाइम लगेगा। स्पेशल लोगों को टाइम लगता है। तो आप तू तो सेलेक्ट कौन से किए, ये अबे ये अंदर रहते हैं दिखाई नहीं देती हैं। ये तो इंसान को कपड़ा अपनी सेटिस्फेक्शन का पहनना चाहिए, शरीर सेटिस्फाई है तो हम सेटिस्फाई हैं। शरीर थैंक यू बोलेगा इन जुराबों के लिए तो मैं बोलेगा। सो यार हम लोग आ चुके हैं अभी ये मजनू के टीले वाली मार्केट में, और पता है ये ना एक अलग ही पूरी दुनिया से लग रही है। एक अलग पूरी दुनिया से नहीं लग रही है। चल भाई खाना कहाँ है भाई, ये रेस्टोरेंट से यहाँ पे मतलब भाई यहाँ पे ठीक है, मतलब यार ये है जो मेन। एंड आप लोग कॉकटेल्स देख सकते हो, स्क्रू ड्राइवर, वाइट रशियन, सेक्सोन बीच। भाई ये पता नहीं है कौन सी ब्रीड है, इसकी जीप भी काली है और ये है अच्छा बिल्कुल भारी सा। ये लोग जा रखे हैं अभी अंदर, ये क्रॉक्स वगैरह ले रहे हैं, पता नहीं कब तक पसंद करेंगे। सोया डिनर कर लिया, सो हमने चूज किया था थाई रेस्टोरेंट, तो भाई थाई जैसा ही खाना आएगा। हम ठहरे तड़के वाले, थोड़ा सा लाइट था खाना। अब यहाँ से शायद हम कैब लेंगे ताकि हम जल्दी से पहुँचेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना यार कि ये एक अलग ही हिस्सा है भाई, ठीक है यहाँ पे सुअर कह रहा हूँ पोक। तो अभी भाई बहन अपने लिए क्रॉक्स ले रहे हैं, ऐसे लेती है पैनी तनु पैनी अलग सी दुनिया नहीं है, मतलब बस समझ नहीं आ रहा यार आप लोग ना, मतलब ये जो मजनू की टीला के साइड में ये पूरी तिब्बतियन मार्केट है जो शॉप्स वगैरह हैं, सर अगर आप लोगों को मतलब कुछ इसका आइडिया हो ना तो प्लीज़ ये रहा वे टू एग्जिट, अगर यार आप लोगों को इसका आइडिया हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मतलब मेरे को तो क्या उपासना को मुझे लगता है मेरे जितना ही काला अक्षर भैंस बराबर वाली हालत होगी। मतलब बहुत स्वीट होते हैं खैर ये लोग, साउंड तो करते हैं रेस्ट आई डोंट नो। एकदम से मौसम ने रुख बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। हमने लिया कैब और जहाँ से हम निकले थे उससे हम करीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे आए, तो देखिए चमत्कार की इधर बरसात ही नहीं है। तो अब हमें उम्मीद है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, कि फिर से बरसात शुरू हो गई है तो हमें इस दृश्य को भी कैद करना चाहिए। तो ये काफ़ी विचित्र है और अब इससे ठंड बढ़ जाएगी दिल्ली में। और ये यहाँ पे रोक के चेक करते हुए, गाड़ी को रोक के चेक करते हुए कि क्या इन पौधों में पानी बराबर जा रहा है कि नहीं।
तो कुदरत का खेल भी देखिए कितना अजीब कि अब चौथी बार हमने अपना कैमरा ऑन किया है और फिर से बारिश रुक गई है। तो यही हम कहते हैं ये राम जी की, हिमाचल चलो देखो आगे से ओले पड़े। हाँ भैया आप हिमाचल चलेंगे हमारे साथ? हमारे घर पे, हमारे घर चले गए भैया कह रहे नहीं सीएनजी कम है, अब चुप हो जाओ। 81 कमेंट्स आए तो तनु ने 81 कमेंट्स देखे गाइस जो आपने पिछले व्लॉग पे किए थे। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अगली बार 811 कमेंट्स करिए ताकि तनु से पढ़ा जाए। तो तनु आपका ना फर्स्ट टाइम था ये चांदनी चौक की मार्केट वगैरह पूरा एक्सप्लोर करना, क्योंकि कहाँ आपने मतलब इतना ज्यादा आपने देखा नहीं होगा, तो आपको कैसा लगा ये चांदनी चौक? बहुत बढ़िया। थोड़ा और तेज बोले ताकि मेरे अलावा लोग भी सुन पाए। बहुत बढ़िया। मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने पिछली बार की थी, दांतों को ना दिखाए फ्लैश, लोगों को सुनाई दे, ओवर एक्टिंग ना करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इसकी बहुत जल्दी वाली ड्रेस अच्छी थी पर मेरे बहुत काली टेंशन हो गई। तो अभी उपासना मेरे को लगता है कि उपासना भी भूल गए कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं और वो आपस में बात करने लगे थे। चलिए कोई नहीं, वो ड्रेस इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर लगती थी। मेरे को टेंशन हो गई जब मैंने उसके घाघरे के 5-5 मीटर के फ्लेयर देखे, मैं कहता हूं कहां जाएंगे एक फ्लेयर में। सही है ना, तनु पता क्या करेगी उस फ्लेयर में से ही निकल जाएगी। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बढ़िया लगा, मजा आया? कैसी मार्केट, मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसी मार्केट होगी? क्योंकि तनु ने एक साथ इतनी भीड़ पहली बार देखी है। मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखा। नहीं आपको बहम? अच्छा नहीं, हमारे मैडी का मेला लगता है उसमें भी इससे ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है, तो तनु ने यहीं पे कंपैरिजन कर दिया। तो ये देखिए कैसे कैसे चीजों में अभी से बंटवारा करने लगी है, कैसे उनमें नुक्स निकालने लगी है। शैंकी खबरदार, आगे के लिए खबरदार। फिर वही कुदरत का खेल देखिए, फिर से मौसम ने एक बार फिर से पलटी मारी। तो अब आ गया बहुत तेज तूफान, अभी हमें वैसे पहुंचने में लगेंगे 24 मिनट, लेकिन पूरा मौसम एकदम से चेंज हो गया। मतलब आज ना हम हर 5-5 किलोमीटर पे हमें डिफरेंट वेदर कंडीशंस मिल रही हैं। सो यार हम लोग आ गए हैं घर पे, बहुत ज्यादा थक गए हैं। सारी शॉपिंग वगैरह हमने अच्छे से कर ली, जो जो हमने खरीदा उसके हमने मतलब जो भी वहाँ के एड्रेस थे और फ़ोन नंबर थे वो हमने मेंशन कर ही दिए थे। एक और मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आपने देखी थी जिन्होंने लो यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, उनका पार्ट वन और पार्ट टू आप देख चुके हो एक ख्वाब वाले चैनल पे। उसका थर्ड पार्ट आ चुका है कि फाइनली एंड में उन्हें क्या स्टेप लेना पड़ा और उसके बाद फिर कैसे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर आप लोग ज़रूर देखना जितना ज़्यादा हो सके, एंड जितना ज़्यादा हो सके उन वीडियोज़ को आप शेयर करना। माँ ने खोदना शुरू कर दिया है तो अब हो गया है टाइम पोटे उठाने का। वर्ड्स फंबल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ठीक है यार, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब।